अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के तीसरे दिन रामलला की मूर्ति मंदिर परिसर में पहुंच गई। 22 जनवरी को 500 वर्षों के बाद रामलला की दिव्य प्रतिमा की स्थापना राम यंत्र के ऊपर की जाएगी। इससे पहले गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की 200 किलो वजन की नई मूर्ति को जन्मभूमि मंदिर परिसर लाया गया था। इस दौरान मूर्ति को परिसर भ्रमण कराना था, लेकिन भारी होने के कारण इसकी जगह रामलला की 10 किलो की चांदी की मूर्ति परिसर में घुमाई गई, जिसके बाद आज रामलला की 200 किलो वजनी मूर्ति का जलाभिषेक किया गया। 121 आचार्यों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रभु श्री राम की मूर्ति को मंदिर परिसर में बने एक चबूतरे पर रख दिया गया। मूर्ति बन गई है, नगर भ्रमण हो चुका है, वो परिसर में जा चुकी है और उसका अनुष्ठान शुरू है। जब अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तब अपने मुख्य स्थान पर विराजमान होंगे। और यह इस प्रकार से है कि जो कुछ लोग कह रहे हैं कि वह स्थापित हो या स्थापित नहीं है, वो परिसर में रखी है। इससे पहले राम मंदिर परिसर में श्री हनुमान 1008 कुंडीय महायज्ञ भी किया गया। आचार्य सत्येंद्र दास ने साफ किया कि रामलला की मूर्ति गर्भगृह में नहीं रखी गई है, बल्कि मूर्ति को मंदिर परिसर में बनाए गए एक चबूतरे पर रखा गया है। परिसर में या गर्भगृह के बाहर या गर्भगृह के जो गर्भगृह का क्षेत्र है वहां पर रखी गई है। परिसर में रखी गई है, गर्भगृह से अलग, उसमें अंदर गर्भगृह में नहीं है, गर्भगृह से बाहर है। गर्भगृह का अनुष्ठान, गर्भगृह में अनुष्ठान है, गर्भगृह का अनुष्ठान हो रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, अनुष्ठान है, उसको किस प्रकार से हमारे देवी देवता हैं उनके पूजा होती है, उनकी शांति होती है, और किसी प्रकार के विघ्न न आवे, विघ्न दूर करने के लिए होता, विघ्न विघात आए मंगलम, मंगल जो किया जाता है विघ्न को दूर करने के लिए जाता है। ये सारे अनुष्ठान उसी रूप में हो रहे हैं कि किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। वहीं राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा चल रही है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। यही नहीं, उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद नई विधि से पूजा अर्चना होगी। देखिए, जो पूजा विधि आती है ये रामानंद जी संप्रदाय के अनुसार पूजा विधि है और पूजा विधि उसी चलती रहेगी, और वही पूजा विधि जो वर्तमान में जिस मूर्ति की स्थापना होगी वो भी उसी प्रकार से होगी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि रामानंदी संप्रदाय की विधि के मुताबिक 5 प्रकार की विशेष आरती होगी, जिनका नाम श्रृंगार, भोग, शयन, संध्या और मंगला आरती है। इसके अलावा रामलला को 5 प्रकार के भोग लगेंगे। रामलला के वस्त्र रोजाना बदले जाएंगे, दिन के हिसाब से अलग अलग वस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा। आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट ने पूजा से जुड़ी एक पुस्तक दी है, जिसके हिसाब से ही हर रोज पूजा अर्चना होगी। अयोध्या में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, हर ओर भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम मंदिर का एक नया वीडियो भी सामने आया, जिसमें न सिर्फ मंदिर के बाहर की भव्यता बल्कि उसके अंदर की खूबसूरती भी साफ झलक रही है। मंदिर बनकर तैयार है और अब वहां फिनिशिंग का काम चल रहा है। पूरा राम मंदिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अस्थाई शिखर आपको बनता दिखाई दे रहा होगा, जो गर्भगृह का जो मुख्य द्वार है, सिंह द्वार है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक एक हिस्सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर में अस्थाई गुंबद बनाए गए हैं और गुंबद को भगवा कपड़ों से ढका जा रहा है। गर्भगृह का मुख्य द्वार हो या फिर मंदिर में प्रवेश करने की सीढ़ियां, सब कुछ बनकर तैयार है। सामने आए वीडियो में मंदिर की खूबसूरती तो दिख ही रही है, ये भी साफ झलक रहा है कि वहां काम कर रहे मजदूर जल्द से जल्द काम खत्म करने में जुटे हैं। 22 जनवरी को होने वाले भव्य समारोह का सभी राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। आज से ठीक 4 दिन बाद रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। इस बीच मंदिर के गर्भगृह और रामलला के आसन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनकी खूबसूरती ने लोगों का दिल जीत लिया। गर्भगृह हो या फिर मंदिर के बाहर की दीवारें, वहां की गई नक्काशी देखकर मंदिर की खूबसूरती का अंदाजा लगाया जा सकता है। मंदिर के अंदर लगे स्तंभों से लेकर छत तक सुंदर नक्काशी दिखाई दी। बताया गया कि राम मंदिर का गर्भगृह कुछ ऐसे बनाया गया है कि 25 फीट दूर से श्रद्धालु भगवान राम की छवि देख सकेंगे। वहां की दीवारों पर देवी देवताओं की आकृतियां बनाई गई हैं। तीन मंजिला राम मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर में लगाए गए दरवाजों पर हाथ जोड़कर स्वागत करती महिलाओं की तस्वीरें हैं, तो वहीं नीचे के हिस्से में हाथी को दर्शाया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठानों का आज तीसरा दिन है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन के कठिन यजमान अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर उस नियम का पालन कर रहे हैं जो प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले यजमान को करने हैं। 11 दिन चलने वाले इस अनुष्ठान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जमीन पर ही सो रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी से ही विशेष अनुष्ठानों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बावजूद प्रधानमंत्री जमीन पर सिर्फ एक कंबल बिछाकर सो रहे हैं। खान पान से जुड़े कठिन नियमों का भी वो पूरा पालन कर रहे हैं और सिर्फ नारियल पानी ही पी रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये अनुष्ठान 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही पूरा होगा। रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। शहर का हर कोना खूबसूरत पेंटिंग और लाइट से जगमगा उठा है। जगह जगह रामधुन बज रही है। पूरा शहर राम के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। मंदिर ही नहीं बल्कि पूरे शहर को फूलों से सजाने की कवायद भी जारी है, जिसके लिए बुलंदशहर से कारीगर बुलाए गए हैं। ये कारीगर फूलों की लड़ियां बनाते दिखाई दिए। सजावट के दौरान जगह जगह फूलों की मदद से राम नाम लिखे जा रहे हैं। 22 जनवरी को भव्य समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए ये कारीगर मंदिर ही नहीं बल्कि अयोध्या के कोने कोने को बहुत ही खूबसूरती के साथ फूलों से सजाने संवारने में लगे हैं। इसके अलावा सड़क किनारे रामायण के प्रसंगों को भी लाइटिंग की मदद से रोशन किया जा रहा है। अयोध्या पहुंच रहे देश विदेश से मेहमान अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हैं। बिहार के दरभंगा से अयोध्या पहुंची एक लड़की पिछले 5 दिनों से खास पेंटिंग बना रही है और सरयू नदी के तट पर बनाई गई ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि वहां से आने जाने वाले लोगों की नजरें उस पेंटिंग से हट ही नहीं रही। इस पेंटिंग की खासियत ये है कि आप जिधर से भी देखेंगे आपको ऐसा महसूस होगा कि भगवान राम आपको ही देख रहे हैं। इस पेंटिंग में खासियत ये है कि इस पेंटिंग को कहीं से भी देखिए आपको राम देखते हुए नजर आएंगे। और ये बच्ची पिछले 5 दिनों से इसी घाट पर बैठकर ये पेंटिंग तैयार कर रही है। पेंटिंग बनाने वाली निशा बिहार के दरभंगा की रहने वाली है और पिछले 5 दिनों से इस पेंटिंग को आकार देने में जुटी हुई है। सरजू के जल का उपयोग करके ये राम की पैड़ी पे जो पेंटिंग बनाने का मेरा अनुभव है वो तो बहुत ही आनंदमय। अयोध्या के सुंदर प्रवेश द्वार, रोड पर चमचमाते सूर्य स्तंभ, स्वच्छ और निर्मल सरयू नदी समेत एक ही पैटर्न पर बनाई गई दुकानें तो लोगों को आकर्षित कर ही रही हैं। निशा की बनाई पेंटिंग भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखने के लिए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी मिलेगी। केंद्र सरकार ने 22 जनवरी के दिन सभी सरकारी कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सभी कर्मचारी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लाइव देख सकें। 22 जनवरी को सरकारी दफ्तर दोपहर 2:30 बजे खुलेंगे। बेंगलुरु से अयोध्या जा रही फ्लाइट में सवार यात्रियों ने राम भजन गाकर यात्रा की शुरुआत की। प्लेन में सवार सभी यात्री राम की भक्ति में सराबोर नजर आए। राजस्थान के नागौर में आर्टिस्ट आरती सोनी ने रेत और रंगों से भगवान राम, हनुमान और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की सबसे बड़ी रंगोली बनाई है। 14,000 वर्ग फीट में फैली इस रंगोली को बनाने में 40 घंटे का समय लगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में रजा लाइब्रेरी और म्यूजियम में रामायण की प्रदर्शनी लगाई गई। फारसी, संस्कृत और उर्दू समेत कई भाषाओं में लिखी गई रामायण को इस प्रदर्शनी में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक, डाक टिकट और दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक किताब भी जारी की। पीएम मोदी ने कुल 6 डाक टिकट जारी किए। इनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी के डाक टिकट शामिल हैं। टिकटों पर राम मंदिर, मंगल भवन, अमंगल हारी चौपाई, सूर्य, सरयू नदी और मंदिर के साथ उसके आसपास की मूर्तियों की आकृति बनाई गई है। इन डाक टिकटों में 5 तत्वों को शामिल किया गया है। और इसके मुद्रण में अयोध्या से लाई गई मिट्टी का सम्मिश्रण है, सरयू के जल का है और चंदन की जो एक सुगंध है वो भी इसमें सब ब्लेंड की गई है स्पेशल तरीके से। वहीं अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों समेत 20 से अधिक देशों द्वारा जारी किए गए डाक टिकट की एक पुस्तक का भी पीएम मोदी ने अनावरण किया। ये स्टैम्प पुस्तक विभिन्न समाजों पर श्री राम की अंतर्राष्ट्रीय अपील को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र के अलावा 20 देश उनके जो रामायण पे आधारित उनके डाक टिकट संग्रह हैं उनका एक संकलन आपके अनावरण के लिए। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो संदेश भी जारी किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में प्रभु श्री राम और रामायण से जुड़े डाक टिकटों को संदेश वाहक बताया, जबकि इस मौके पर देश और दुनिया भर के सभी राम भक्तों को बधाई भी दी प्रधानमंत्री ने। पीएम मोदी ने कहा कि डाक टिकट विचारों और ऐतिहासिक लम्हों को संजोकर रखने का काम करते हैं। पोस्टल स्टैंप्स विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकटों को इतिहास की किताबों और ऐतिहासिक क्षणों का सबसे छोटा रूप बताया। ये टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है, ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। जबकि पीएम मोदी ने रामायण को मानवता से जोड़ने वाली रचना और इसे दुनिया भर के देशों के लिए कौतूहल का विषय बताया। आज जिन पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है वो इन्हीं भावनाओं का प्रतिबिंब है कि कैसे पूरे विश्व में भगवान राम, माता सीता और रामायण को बहुत गौरव से देखा जाता है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले वहां देश भर से पहुंचे भक्त अपने अपने तरीके से राम नाम का जयकारा लगाने में जुटे हैं और इनमें से एक मुस्लिम भजन गायिका सानिया ने भी राम भजन गाए। और सानिया ने यह भी बताया कि मुस्लिम होकर भजन गाने की वजह से उन्हें लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं, लेकिन जो खुशी उन्हें भजन गाकर मिलती है वो किसी और में नहीं मिलती। सानिया ने इस मौके पर दावा किया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। दोस्त कह रहे हैं, अगल बगल के कह रहे हैं कि सानिया राम मंदिर में जाके गा रही है, नहीं ये उनकी भूल है, क्योंकि हम इंसानियत, हमारे अंदर इंसानियत है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सानिया ने बताया कि पिछले 2 सालों में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने भजन गाना बंद नहीं किया। और सानिया ने यह भी बताया कि मुस्लिम होकर भजन गाने की वजह से उन्हें लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं, लेकिन जो खुशी उन्हें भजन गाकर मिलती हो वो किसी और में नहीं मिलती। जिन्हें देखने के लिए सरयू के तट पर लोगों की भीड़ जुट गई। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वहीं मिमिक्री कलाकार सिराज ने भी कई नेताओं की आवाज निकाली। जी इस तट पर आते तो किस तरीके से कहते? नमस्ते, जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को यह बतला देना चाह रहा हूँ, एक मुस्लिम समुदाय से होने के बाद में यदि कोई महिला इतना मीठा भजन गा रही है तो समझ लेना वो सानिया है। सिराज ने इस दौरान लालू यादव, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं की आवाज उन्हीं के अंदाज में निकालकर अयोध्या के बारे में बात की।